Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Today's preparations are going on. We are meeting after quite some time now, but I am very much active on the YouTube community and everything. Videos bhi ab regular post hona start ho jayengi. Don't worry. Things have been a bit busy with respect to the batches going on, IDT or Inter ka. So, three important points for your next 3 months. So, as always, बहुत ही quick and to the point बात करेंगे. ये तीनों ही बातें जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, these may sound very simple, but these are often overlooked by students, जो कि पिछले attempt में मैं देखा है. And often times it happens that बहुत late जाके realize होता है कि अरे ये कर लेना चाहिए था. तो ये तीनों बातों का जरा ध्यान रखना, so that your preparation is not hampered. Point number one, मैंने आपसे community post पे पूछा था that sir, what are the things that are bugging you right now? And one of the most common answer was coming that sir, negativity or comparison. मेनली सी ए फाइनल वालों के लिए, ऑब्वियसली सी एंटर के लिए भी काफी बच्चों को लग रहा होगा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं. आई विल ट्राई टू सी, मेरा पर्पज है उस चीज को सॉल्व करना. ओके, मैं यहाँ पे कोई अनरियलिस्टिक मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ. वी विल ट्राई टू डील अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट रियलिस्टिकली. ओके, सो जो निगेटिविटी आती है, जो एक थोड़ा सा डर रह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्टूडेंट का अटेम्प्ट लग चुका है उसको लग रहा है कि यार ये तो दोबारा हो सकता है. तो अभी मतलब मैं पढ़ते वक्त मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, क्योंकि इट मे हैपन अगेन. एंड देर इज अ फियर ऑफ द फेलियर. वो सोते वक्त भी हो रहा होगा, सुबह भी हो रहा होगा कि यार आज मैंने पता नहीं किया है, नहीं किया ढंग से, पता नहीं अब ये दोबारा मैं फेल हो जाऊँ. तो सी, दिस इज वेरी नॉर्मल. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी ट्रीटेड अपॉन. दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी. कोई चीज अगर गलत हुई है जो हमें नहीं चाहते थे, हम वो दोबारा रिपीट होने का डर लगेगा. बट जस्ट बिकॉज डर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीजें छोड़ के उसके ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दे. एंड दैट इज वन ऑफ द बहुत मिस्टेक, इट इज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट वी कमिट, इंक्लूडिंग मी. ठीक है, आज इसी के ऊपर मैंने आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट डाला था, दैट अ लॉट ऑफ थॉट्स आर गोइंग टू कम इन योर माइंड, बट इट्स नॉट आवर ड्यूटी टू एनालाइज ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. आने दो, जाने दो. बहुत बारी हमें लगता है कि हमें ना पढ़ते वक्त खुश रहना है. दिस इज द सोशल मीडिया का एक डार्क साइड है. इट हैज मे बी कन्विंस्ड अस एंड मे बी कन्विंस्ड यू एज अ स्टूडेंट कि यार पढ़ते वक्त ना बहुत खुशी होनी चाहिए. नहीं होती है, नहीं होती है. आज मैं भी काम कर रहा हूं, लोग काम कर रहे हैं, क्या हमेशा खुश है क्या? नहीं. बट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, आपको काम फिर भी करना है. सो ट्राई टू ब्रेक दैट कोरिलेशन बिटवीन हाउ हैप्पी एंड हाउ यू आर फीलिंग वर्सेस व्हाट काइंड ऑफ स्टडी यू आर डूइंग. कभी कभार लगेगा कि सर मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं है. ऐसा नहीं है, प्रोडक्टिविटी है. आप पढ़ रहे हो, जस्ट बिकॉज दिमाग में वो थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है. सो जस्ट ट्राई टू कट दैट कोरिलेशन, ट्राई टू कट दैट रिलेशन. जैसा मर्जी लग रहा है लगने दो. दो दिन लगेगा सर, दो दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन से थॉट्स गायब हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि अब अपने पास टाइम ना थोड़ा सा वो क्रूशियल वाला है कि वी आर इनटू लास्ट 3 months जुकुन. ओके, सो डोंट ट्राई टू, डोंट लेट दीज थॉट्स अफेक्ट यू. थॉट्स को आने दो, आएंगे और वैसे के वैसे जाएंगे. पकड़ के बैठोगे उनका हाथ, पकड़ के बैठोगे कि इसके ऊपर एनालिसिस करना है, तो वो बैठे रहेंगे एंड यू विल बी स्टक इनटू दैट ओवर थिंकिंग. और एक या दो घंटे के बाद आपको भी फील होता होगा, यू फील ड्रेनड आउट, लिटरली विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट यू विल फील ड्रेनड आउट. तो वो चीज अवॉइड करनी है. ठीक है, सो एक ये चीज थी और एक था कंपेरिजन. सुनो मेरी बात, सुनो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ. आप लाइफ में कुछ भी कर लोगे ना, ये तो डिग्री है, ये तो छोटा सा पार्ट है, ये तो आपके एजुकेशन का पार्ट है. इसके आगे बहुत कुछ करना है, अपनी खुद की फैमिली बनानी है, अपना खुद का करियर बनाना है, खुद के पेरेंट्स का ध्यान रखना है. यू विल सी सो मेनी मोमेंट्स इन योर लाइफ. हर मोमेंट में एंड एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू फेस कंपेरिजन, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड यू डू, हाउ मच मनी यू अर्न, देर विल बी समवन हु इज डूइंग बेटर देन यू, देर इज समवन हु इज डूइंग नॉट बेटर देन यू. कोई हमसे ऊपर है, कोई हमसे नीचे है. और सर किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है. बड़े वाले को देख के कोई डरना नहीं है, कंपेयर नहीं करना, नीचे वाले को देख के उसका मजाक नहीं उड़ाना है. अपनी पेस है, अपनी लाइफ है. कंपेरिजन दो चीजों का तभी हो सकता है. देखो, आई केम अक्रॉस दिस ऑन सोशल मीडिया एक पॉइंट पे, कि स्कूल में कैसे होता है ना, एक बच्चा आता है, सब कुछ सेम तरीके से चल रहा होता है, काइंड ऑफ लाइफ भी उसके घर पे सेम होती है. एक बच्चे को क्या और कंपेयर करें, मतलब व्हाट और कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर गोइंग टू यूज, सब कुछ ऑलमोस्ट लाइफ सेम होती है, तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन हो जाता है. इस मोमेंट में आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, सबकी एज अलग है, सबकी फैमिली सिचुएशन अलग है, फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, पेरेंट्स का स्टेटस अलग है, पेरेंट्स का अपब्रिंगिंग अलग है, सिटी अलग है, एजुकेशन अलग है, यार कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सिर्फ इस चीज पे कंपेयर करें कि मैं सीए कर रहा हूं और वो सीए कर रहा है. डज दैट मेक सेंस टू यू? आपके सामने अगर आपका दोस्त ये प्रॉब्लम लेके आए, क्या उसको आप ये समझाओगे नहीं कि यार कैसी बात कर रहा है, कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है. सो ट्राई टू बी दैट फ्रेंड टू योर सेल्फ. कभी कभार थर्ड पर्सन की तरह अपने आपसे बात करो, अपने आप दिमाग में जो क्लॉगिंग हो जाती है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और एक चीज बता देता हूं बहुत ही क्लियरली, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, बट हर इंसान का टाइम आता है
और जब वो टाइम आता है ना, तो आपके लिए जो डिजर्व करते हो ना, जिस चीज के लिए आज मेहनत कर रहे हो दिल से ऑनेस्टली, वो आपको मिलके रहेगा। और जब वो मिलना स्टार्ट होता है ना, जब वो चीजें चेंज होना स्टार्ट होती है ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो उस टाइम भी आप बस आप उस मोमेंट का वेट करो। कभी कभार अपना नहीं चल रहा होता है टाइम, और एंड इट्स ओके, एवरीवन इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ एन इशू, राइट? सो अभी उस पे ज्यादा ध्यान मत दो, कंपेयर किसी से मत करो। किसी का भला हो रहा है अच्छी बात है, किसी का बुरा हो रहा है मत ध्यान दो, अपनी मेहनत करते रहो। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू फोकस अपॉन, ठीक है? पॉइंट नंबर टू, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे लिख के पढ़ना। मैं बहुत सारी बातें ये बता चुका हूँ। आज हमारा IDT का एक सेशन था रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ पे मैंने ये चीज़ रिपीट करी। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट हियर ऑल्सो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट खासकर जिनका अटेम्प्ट एक बार रह चुका है, यू नो वॉट ऑल थिंग्स यू डिडंट डू, ठीक है? मे बी आपने लिख के पढ़ाई नहीं करी है, मे बी आपने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है, मे बी आपने ABC एनालिसिस किया है। All these things, whatever you feel ki this was the point where I could improve upon, chahe wo chote se chota point kyun na ho, implement karna start karo. Please cheeze likh ke padho, main aapko baar baar bol raha hu, usse paper bhi pura hoega, retention bhi zyada hoti hai, concept clarity bhi zyada banti hai. And guys, you still have time. ये मैं मार्च में नहीं बोल सकता आप लोगों से, अभी जैन एंड हो रहा है, फेब में आपके पास टाइम है, मार्च में आपके पास टाइम है, ये चीजें इंप्लीमेंट करो, बाद में लेट हो जाएगा, अभी फिर भी लेट नहीं हुआ है। ओके, एंड यू सी द टाइम इज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग। 9 जनवरी को रिजल्ट था, टुडे द वीडियो आई एम मेकिंग इज ऑन 28 जनवरी। खत्म हो गया भाई, तीन महीने बोलने को लगते हैं यार, 90 दिन ही तो रह गए। सो इतना टाइम बचा नहीं है सोचने के लिए, लग जाओ एक तो पूरे मेहनत से लग जाओ, और सर इतनी मेहनत करो कि ये जर्नी, ये जो अभी टाइम जा रहा है ना, ये भी सर बाद में याद आए अच्छे से। आज मुझे अपना जो स्ट्रगल था, मेरा जो CA फाइनल के लास्ट 4 महीने थे, मैं आज उसको एक पॉजिटिवली याद करता हूँ, क्योंकि वो मजे से किया था, अपने लिए किया था और अपनी मर्जी से किया था। तो इतना उसके अंदर ना मग्न हो जाओ, कहते ना कि यू लाइक पीपल शुड स्टार्ट वंडरिंग, फैमिली शुड स्टार्ट वंडरिंग कि ये ठीक है ना, मतलब सब, आप इतना खुशी से उसके अंदर लग जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? और सर तीसरी चीज, ट्राई करना दैट इन मेंटली यू जस्ट ट्राई दैट आपके पास 2 ही महीने हैं, जस्ट ट्राई टू गेट दिस काइंड ऑफ प्लानिंग दैट यू हैव 2 मंथ्स, फेब और मार्च। 1 अप्रैल को अपनी प्रिपरेशन इतनी रख लेना कि अगर कल को पेपर बिठा के कराए, वी कैन पास विथ 50 मार्क्स। उस टारगेट के हिसाब से अभी चलो, ताकि अप्रैल मंथ में सिर्फ मॉक टेस्ट और रिविजन हो। और ये जो इलेक्शन का चक्कर है भैया, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई नो देर आर लॉट ऑफ रीजन्स टू आस्क अबाउट दिस, बट जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आता, एक मोमेंट भी किसी यूट्यूब वीडियो पर मत स्पेंड करो। ये सारी चीजें एंगेजमेंट के लिए बनाई जाती है और आपका टाइम खाती है, कुछ भी फ्री नहीं है, आपका टाइम जा रहा है उसके अंदर। प्लीज डोंट डू दैट, माइंड को स्टिमुलेशन इतना नहीं देना है, ठीक है? सो अभी जो है अपना 1 अप्रैल का टारगेट लेके चलो, 1 अप्रैल तक मुझे प्रिपेयर करना है अपने आप को। और फिर जो अप्रैल आएगा, कुछ भी चेंजेस आए, एनी पोस्टपोनमेंट्स हैपन, दैट विल बी ओनली एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ अस। बट अभी उसके ऊपर प्लीज रिलाय मत करो, अगले 60 दिन है एकदम मस्ती से पढ़ाई करो, ठीक है? कुछ अपडेट्स, मतलब IDT के रिवीजन मेरे आने वाले हैं, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए होगा, बिकॉज अभी सुबह और शाम दोनों टाइम बैचेस चल रहे हैं, बट और अभी रिवीजन का टाइम भी नहीं है। अभी अगर आप रिवीजन देख रहे हो तो आप पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है? जनवरी फेब इज फॉर योर सेल्फ स्टडी, मार्च अप्रैल में रिवीजन वो भी लगे तो, ओके? सो या IDT के लिए वो चीज़ आने वाली है, जैसे लॉ के लिए आए थे उससे भी कई बढ़कर आने वाली है, हैंड रिटन नोट्स के साथ। सो डोंट वरी, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अपडेट्स के लिए, MCQs के लिए, शॉर्ट इंटरप्रिटेशन पॉइंट्स के लिए एंड ऑडियो नोट्स के लिए, ठीक है? सो या दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड वीडियोज भी अब रेगुलरली आना स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी आप बच्चे सेटल हो चुके हो, एंड आई विल बी देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट? सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, एंड या टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।